मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया सर्पदंत के कारण 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई एवं सूचना मिलते ही पुलिस एवं फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। वही यह घटना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछवाड़ की है, जहां मंदिर टोला मोहल्ला निवासी सानू बेगा अपने घर पर चारपाई पर सो रही थी। उसी दौरान सुबह 4 बजे एक सर्प ने उसे डस लिया, जिसमें मौके पर ही आदिवासी छात्रा सालू बेगा की मौत हो गई एवं घटना के दौरान मृतका के परिजन तांत्रिक से झाड़फूंक कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसी दौरान पुलिस एवं फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करते हुए सौ को अपने कब्जे में लिए और फॉरेस्ट टीम के द्वारा सर्प को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है। वहीं पुलिस एवं परिजनों की मौजूदगी में छात्रा के सौ को जिला अस्पताल लाया गया एवं पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए सौ परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि सर्प दंत की यह कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी अनेकों घटनाएं सामने आई है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। उसका पिताजी युद्धप्रस्त थे, जिसकी अकाल में भी बैठक काटने से भाई थी। पुलिस ने काटने से पान को मौत हो गई थी। उसने मरने लिया हॉस्पिटल में पीएम कार्रवाई का सान पाया था। मेरी लड़की पलंग सोई थी, सर पर सोच कर दीजिए पुलिस ने मरी अस्पताल लिया। कछवाड़ के रहने वाले हैं, बारहवीं क्लास के छात्र हैं, जो कि अचानक छोटे समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। कोएगा आखिर मोहल्ला की रहने वाली है, जो कि उसके शव को उमरिया हॉस्पिटल लाया गया है, जो कि उसके पोस्टमार्टम के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। घर वाले जो हैं जरा दे चुकाने का काम जारी किया है, जो कि उमरिया दिया गया है। सुबह सुबह की घटना है करूँ कि सानू बेगा 18 वर्ष की कोई लड़की थी जो घर में सो रही थी, तो रात्रि का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसको सांप ने काटा और सुबह घर वालों ने उसको मृत अवस्था में पाया, ऐसा घर वालों का कहना। आज उसको जिला अस्पताल लाया गया था, जिसके हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करा करके उसको क्लियर कर दिया। एक चीज मैं और सभी जनों को सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सांप के काटने पर कभी भी लापरवाही ना बरतो। आपका प्रमुख जो उपचार है वो जिला किसी भी अस्पताल में, चाहे जिला अस्पताल हो, सामुदायिक अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहां तुरंत पहुंचें जो आपके समीपस्थ हो। झाड़ फूक के चक्कर में या और किसी अन्य जो नॉन मेडिकल गतिविधियां हो उनमें कभी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। इससे किसी को कुछ फायदा नहीं होना, सीधे और सीधे मरीज की जान को खतरा और बढ़ जाता है। तो सावधानी रखें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, अस्पताल से संपर्क करें, इलाज लें। और आज सुबह हमको सूचना मिली थी कि ग्राम कछरवार की सालू बैगा नाम की एक लड़की को सर्प ने काट लिया है। तो जैसे ही घटना की सूचना मिली, हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ और अधिकारी सभी पहुंचे मौके पर और सांप को पकड़ाया गया। तो और उसमें सांप को पकड़कर उसको जंगल में छोड़ा गया। तो मैं सभी उमरिया वासियों से क्योंकि ये निवेदन करूंगा, बरसात का समय शुरू हो गया है, बारिश भी आने वाली है अभी, तो इस स्थिति में सर्प बाहर निकलते हैं दिलों से। तो ऐसी स्थिति में आसपास अपने जहां पे भी बैठे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सांप क्या है जो अपने छोटे छोटे जैसे जूते हैं, जूते के अंदर घुस जाते हैं, और जो लोग जमीन में सोते हैं गांव में। सरपंच पति श्याम बिहारी राय, जो हमारे गांव में सोनू भैया को सुबह सर्प काट दिया है, मैंने परिवार को रहने देता हूं।